हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक एंटी एजिंग फेस मास्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी बढ़ती उम्र की निशानियों को कम करेगा। तो चलिए देखते हैं। और आपकी स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, डलनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप बनाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पर इस वक्त कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यूथफुल लग रही है मुझे, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है और आप भी देख ही रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों के साथ ये सीक्रेट रेमेडी शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपको ये बनाना मास्क के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको बनाना चाहिए सबसे पहले इसके लिए, ऑफ कोर्स बनाना की रेमेडी है तो बनाना तो चाहिएगा भाई। तो इसमें आपको थोड़ा सा बनाना लेना है, इसमें से मैं हाफ कट कर लेती हूँ, दैट्स इट। बस आपको इतना ही बनाना लेना है और इस बनाना को आपने एक फॉक की हेल्प से मैश कर लीजिए इसे अच्छे से। आप चाहें तो इस मास्क को अपने हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हैं। और बनाना में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए और विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। और बनाना से आपकी फेस की डलनेस दूर होती है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। अब मैं इस पर ऐड कर लूँगी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो देखा आपने कितना इजी था ये बनाना मास्क। तो ये आपका बनाना मास्क रेडी है। तो चलिए मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई करती हूँ। और इस बनाना मास्क को आपने 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा एक बनाना मास्क है और इसे आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर लीजिए। और ये आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसे अपने आँखों के आसपास भी लगा लीजिए। और जैसा कि आप इसमें जानते ही हैं कि मैंने इसमें हल्दी ऐड की है इस बनाना मास्क में, तो हल्दी आप जैसा कि जानते ही हैं कि बहुत अच्छा एक दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करती है और रंग को साफ़ करने में भी हेल्प करती है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए, हमारी स्किन से ब्लेमिशेज और रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ये देखिए मेरा फेस मास्क जो है सूख चुका है, अब मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप जानते हैं कि बहुत अच्छा ग्लो आया है फेस में और मेरी स्किन मुझे सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इस बनाना मास्क को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखा आपने गाइस कि कितना इजी था ये बनाना मास्क और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी स्किन के लिए भी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।